इस वेले की वड्डी खबर कांग्रेस के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है कि कांग्रेस ने साबका MLA परमल सिंह धौला नूं वड्डा झटका दिता अते ये झटका जिहड़ा वह कांग्रेस के प्रथ तो मौजूदा MLA सुखपाल सिंह खहरा लई भी हाई वोल्टेज झटका मनिया जा रहा। दस दिए कि सुखपाल सिंह खहरा के करीबी परमल सिंह धौला जिहड़े कि साबका MLA ने भदौड़ तो उन्हां नूं कांग्रेस पार्टी ने पार्टी तो बाहर का रस्ता दिखा दिता है। दस दिए कि पार्टी ने एक लैटर इशू किया जिदे विच दसया गया कि परमल सिंह धौला नूं एंटी पार्टी गतिविधियां दे चलदियां जिहड़ा उन्हां नूं पार्टी दे विचों बाहर कढ़िया गया। हालांकि ये तो नहीं दसया गया कि परमल सिंह धौला जिहड़े आ उह की पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे सीगे, पर उन्हां नूं एक लैटर इशू कर दिता गया अते जिहदे विच कारण दसया गया कि परमल सिंह धौला नूं पार्टी विरोधी गतिविधियां दे चलदे जिहड़ा उन्हां नूं पार्टी तो बाहर किया जा रहा है। दस दिए कि परमल सिंह धौला जिहड़े आ 2017 दे विच 2017 दीआं विधानसभा चोणां दे विच आम आदमी पार्टी दे विधायक दे वजों चुने गए सी अते बाद दे विच सुखपाल सिंह खहरा जदों आम आदमी पार्टी दे विचों बागी होए तां बहुत सारे विधायक जिहड़े सुखपाल सिंह खहरा दे नाल जिहड़े आ उह गए सी, उहनां दे विचों परमल सिंह धौला वी जिहड़े आ वो मौजूद सी और लगातार सुखपाल सिंह खहरा होरां दे नाल डट के जिहड़े आ परमल सिंह धौला खड़े रहे। हालांकि कुछ विधायक जिहड़े आ वापस आम आदमी पार्टी दे विच मुड़ भी गए सी, पर परमल सिंह धौला जिहड़े आ सुखपाल सिंह खहरा दे नाल ही रहे अते 2022 दीआं विधानसभा चोणां तों ऐन पहलां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मुख्यमंत्री दी कुर्सी तों लै जाण तों पहलां जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परमल सिंह धौला जगदेव सिंह कमालू अते सुखपाल सिंह खहरा नूं जिहड़ा वह कांग्रेस दे विच शामिल कर लिया सी अते बाद दे विच जिहड़ा वह परमल सिंह धौला नूं जिहड़ी आ वह भदौड़ तों टिकट नहीं सी दित्ती गई क्योंकि भदौड़ तों जिहड़ा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वह जिहड़े आ इलैक्शन लड़े सी। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी भी जिहड़े आ वह भदौड़ तों इलैक्शन हार गए सी, पर परमल सिंह धौला दी वी जिहड़ी आ वह टिकट कट दित्ती गई सी। पर फिर भी परमल सिंह धौला जिहड़े आ वह पार्टी दे विच ही रहे, लगातार वह चुप रहे, पर यह नहीं दसया गया कि उन्होंने की पार्टी विरोधी गतिविधियां कीतियां। हालांकि कारण यह भी मनिया जा रहा है कि जिस तरीके दे नाल सुखपाल सिंह खहरा अते राजा वड़िंग दे आपस दे विच जिहड़ी आ तणी हुई है उहदा कारण जिहड़ा ये भुगतना पिया सुखपाल सिंह खहरा दे ग्रुप नूं, क्योंकि सुखपाल सिंह खहरा दे धड़े दे जिहड़े आ परमल सिंह धौला मन्ने जांदे ने अते सुखपाल सिंह खहरा दे कारण ही मन्निया जा रहा कि परमल सिंह धौला दे उपर कार्रवाई हुई है। तो परमल सिंह धौला दे नाल जुड़ी हुई इस वेले दी वड्डी खबर है कि कांग्रेस ने परमल सिंह धौला नूं पार्टी विरोधी गतिविधियां दा हवाला दे के पार्टी दे विचों बाहर कर दिता है अते सुखपाल सिंह खहरा नूं भी जिहड़ा इह हाई वोल्टेज झटका मन्निया जा रहा है, क्योंकि सुखपाल सिंह खहरा दी अगवाई दे विच ही परमल सिंह धौला अते जगदेव सिंह कमालू जिहड़े आ उह कांग्रेस दे विच शामिल होए सी अते बाद दे विच उहनां नूं टिकटां जिहड़ियां उह नहीं दित्तियां गईयां सी अते परमल सिंह धौला नूं हुण जिहड़ा पार्टी दे विचों बाहर कढ दित्ता गया। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियां दे बारे ज़्यादा जानकारी जिहड़ी आ उह नहीं दित्ती गई, पर इह जरूर मन्निया जा रहा कि सुखपाल सिंह खहरा दे करीबी होण दा जिहड़ा खमियाजा परमल सिंह धौला नूं भुगतना पिया, क्योंकि पिछले दिन ही राजा वड़िंग अते सुखपाल सिंह खहरा दे विचकार जिहड़ी आ उह आपस दे विच तण गई सी भारत भूषण आशू दे विवाद नूं लै के, क्योंकि सुखपाल सिंह खहरा होरां ने ट्वीट कर दिता सीगा कि राजा वड़िंग नूं चाहीदा है कि भारत भूषण आशू वर्गे लीडरां दे पिछे जिहड़ी आ उह पार्टी दी एनर्जी ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ
ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।